रूस ने बीते दो दिनों में यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया है। ये हमला क्रीमिया के पुल पर धमाके के बाद शुरू हुआ। इस बीच रूस ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि ये सिर्फ फर्स्ट एपिसोड था, अभी आगे भी इसी तरह के एपिसोड होंगे। ये चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने दी है। रूस अक्सर इस बात का जिक्र करता रहा है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग तक करने के लिए तैयार है। दिमित्री मेदवेदेव ने सोमवार को कहा कि हमारे लोगों की रक्षा करना और देश की सीमाओं को सिक्योर करना हमारी प्राथमिकता है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। मेरी राय है कि यूक्रेन के राजनीतिक शासन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये साफ है कि यूक्रेन रूस के लिए खतरा रहेगा। मेदवेदेव का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। मेदवेदेव ने इससे पहले कहा था कि मुझे ऐसे बहरे कानों को फिर से याद दिलाना होगा जो केवल खुद को सुनते हैं। याद रहे कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस को परमाणु हथियारों का उपयोग करने का अधिकार है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के अनुसार रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290 और यूनाइटेड किंगडम के पास 225 परमाणु हथियार हैं। ऐसे में अगर रूस परमाणु हमला करता है तो पश्चिमी देश क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।